सो वंस अगेन हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे क्लास टेंथ का। तो क्वेश्चन में ये दिया है, ए कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कोई कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का होता है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का है और एक 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा गया है और ये पूछ रहा है आपसे कि जो इमेज बनेगा वो 15 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू की वैल्यू आपसे पूछा है। तो ये कार्टेशियन प्लेन मैंने यहाँ पर बना दिया है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और ये है आपका एक कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट होता है तो इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज एक्स डैश एक्सिस पे ही बनेगा तो इसीलिए इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगी, सो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में। एंड हाइट ऑफ द इमेज, ये आपका इमेज है तो ये भी आपका पॉजिटिव में आएगा। सो कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव -20 मैंने डाल दिया, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो प्लस में आएगी 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज ये सवाल में हमसे पूछा है एंड जो इमेज का डिस्टेंस है दैट इज नेगेटिव 15 सेंटीमीटर। हमें बस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर मैंने जो लेंस का फॉर्मूला है वो मैंने डाल दिया, 1/v -1/u =1/f। सो 1/u लेफ्ट साइड में और जो 1/v था उसको मैंने राइट साइड को ले लिया तो ये माइनस का हो गया। सो जिसकी वैल्यू फोकल लेंथ की वैल्यू -20 थी एंड जो इमेज डिस्टेंस -15 था, वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर मैंने LCM ले लिया और LCM एडिशन करने के बाद मुझे यहाँ पर मिला -1/u =1/60 एंड जो इमेज डिस्टेंस निकल के आया दैट इज -60 सेंटीमीटर। और मुझे साइज भी पूछा था, इमेज की साइज भी पूछी थी। सो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट =v अपॉन यू, तो मैंने वैल्यू को डाल दिया और मुझे यहाँ पर मिला हाइट ऑफ द इमेज इज 5/4 सेंटीमीटर और जो इमेज बनेगा आपका ये डिमिनिश्ड होगा एंड वर्चुअल भी होगा। तो ये था आज का क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड गुड बाय।